ओडिशा पुलिस उपरे आमरो भरोसा नाही। ओडिशा पुलिस आमकु न्याय देई परिबो नाही। कोमारे आम राज्यर न्यायिक व्यवस्था एभली किछि कहि आज राजधानी रे एकाठी होइथिले न्यायरु वंचित होइथिबा साथे परिवार। दीप्तिकांत साहू कटक जिला महांगार दीप्तिकांत साहू फेब्रुआरी 28, 2014 रे तांकु के दुर्बृत्त अत्यंत निर्मम भावे हत्या कले। एसपी कटक, डीजी पुलिस कटक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल समस्त नेता मंत्री को जणाइबा परे आज पर्यंत न्याय पाइलिनी। आईन मंत्री प्रताप जेना ए हत्याकांड रे जड़ित थिबारु मो कथा के सुनुनांती बोली कहिछंती दीप्तिंक भाई दिलीप साहू। 2014 मसिया फेब्रुआरी मास 28 तारीख दिन मो भाई दीप्तिकांत साहू को मर्डर करदेले। आज्ञा 29 तारीख दिन मु महांगा पुलिस स्टेशन ने लिखित अभियोग कली एवं लिखित अभियोग कली 8 जन ना एफआईआर कली जे कि प्रथम मुदाला कली आज्ञा मुख्य अभियुक्त प्रशांत किशोर राउत से थिला बीजेडी दलर ता भाई थिला सरपंच जेहेतु मंत्री छत्रछाय मंत्री खास अनुगत प्रशांत किशोर राउत जे नंडा ओरफ हो एथिरे आज्ञा सेतिपाई पुलिस तापर कोनोसी एक्शन नौ नाही। जुब इंजीनियर अमृत दास 2020 जुलाई 20 तारीख रे जगतसिंहपुर जिला कुजंगर जुब इंजीनियर अमृत दास को मृत्यु संदेहजनक भावे होइथिला। घटना दिन अमृत को किछि सांगो आसी तांकु डाकी नैथिले परे हटात तीर्तोलर बालीपाटनारु अमृत को मृतदेह मिलथिबा पुलिस खबर देथिला। हेले घटना को परिवार लोके विश्वास करनथिबा बेले मो पुओ को मारि दे फिंगि दैछंती बोली कहिछंती अमृत कमा। न्याय पाई तीर्तोल थाना कुजंग थाना एसपी जगतसिंहपुर डीआईजी पुलिस कटक डीजी पुलिस क्राइम ब्रांच मुख्यमंत्री राज्यपाल समस्त विधायक सांसद राज्य केन्द्र मानवाधिकार कमिशन को जणाइबा परे मध्य आज पर्यंत न्याय पाइलिनी। सब आड़ हरास होकर समस्ते एकजुट होते सब ये युवपीढ़ी कि छोट पा जहाँ सब मर्डर मर्डर हो सरकार किसी बुझुना समस्ते एकजुट हो तेणी मिलमिशिक समस्ते गोटे निहाती पदक्षेप नबू जदि सरकार किसी न शुणा मिलमिश पदक्षेप नबू आग को ये तदंत जारी रखिबू चुप हो बसले तो आमको न्याय के देना। उल्लास जेना जगतसिंहपुर जिला कुजंगर उल्लास जेना को पंकपाल सरकारी मद दुकान रे 2016 नवंबर 5 तारीख रे किछि लोक अति निर्मम भाबे जाळी देले फले न्याय पाई कुजंग थाना एसपी क्राइम ब्रांच ओडिशा पुलिस टीजी मुख्यमंत्री को जणाइबा परे मध्य आज पर्यंत न्याय मिलला नाही बोली कहिछंती मृत उल्लास को भाई। मानव प्रेमी आदित्य दास 2019 जुलाई 7 तारीख रे मानव प्रेमी आदित्य दास को मृतदेह भुवनेश्वर लिंगराज स्टेशन रु संदेहजनक भाव उद्धार करा गला आउ घटना को दीर्घ दिन बीतिथिले भी एजाय स्पष्ट होई परिला नाही या हत्या ना आत्महत्या। सेपटे मो पुओ आत्महत्या करि नाही बरम ताकु मारी फिंगी दिया जाइछि बोली कहिछंती मृत आदित्य कमा आउ सीधा सीधा मृत्यु पई बहु विद्याश्री को से दाई करिछंती। मो स्वामी तो कहले क्राइम ब्रांच को मो बहु होची प्रथम दोषी आ ये जदि से दिन राति रे पळे न थांता घरु ये सब जानी थांता ये राति आगो काई पळेला आ जहां एमानकर झगड़ा हला ये जदि हमको फोन करी करी कहि थांता ताहले एमिति होइ न थांता। मो जेआर क्राइम ब्रांच को मो स्वामी कहिछंती मु बिल कहले आमे तो थिलुनी सर आमे तो 29 तारीख गां को जाइथिलु आ 6 तारीख आसिलु आसला बले हम पोर 7 तारीख सकालु राति 6 तारीख बसिलु बस रे आउ सकाळ देखला बेले ताकु मारी के सोइथिले। कुनी छियो पिहु जाजपुर बिंझारपुर रो कुनी छियो पिहु 2020 अगस्त 9 तारिख रे दांडो रे खेलथुआ बेले केउवाडे गायब होई गला। न्याय पाए बिंझारपुर थाना जाजपुर एसपी जाजपुर जिलापाल क्राइम ब्रांच ओडिसा डीजी पुलिस मुख्यमंत्री राज्यपाल को निकट रे अभियोग होइथिले मध्य आज जाय पिहु रो पत्ता मिलिलानी। पोखरी सुखा पोस्टर मरा सबु किछि फेल मारछि बोली कहिछंती पिहुरमा तांको निजो स्वार्थ रे ही चाहे धाइछंती से आमको केबे भी न्याय देबे नि तांको पर आमा ओडिसा सरकार को उपरे भी हमर भरोसा टुटिलानी जदि से आमको एठी तो न्याय मिलिबनि मते तो जणा पड़ी गलानी। सीबीआई तदंत पई ही मु सेठी जाई कि धारणा बसि मि जे पर्यंत मते सीबीआई तदंत पई सिफारिश न करिछंती मु सेठी ही धारणा बसि कि रहिबी। सूचना अधिकार कर्मी रंजन दास फेब्रुआरी 1, 2020 रे सूचना अधिकार कर्मी रंजन दास को
କିଛି ଲୋକ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଏସପି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଜି ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୃତ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ରାଜ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ପ୍ରକାର ଶୋଇ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରିବା ବୃଥା ବୋଲି କହି ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ସାତ ପରିବାର। ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର କିପରି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରର ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।